के साथ में ये बड़ा सा चीज मुझे दिखाया, ये लाने में मुझे बहुत दिक्कत हुआ था, मुझे ऐसा करके लाना पड़ा। मैं आप लोगों से कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मेरे लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी का बात है। कल जब मैं ऑफिस से लौटा, लौटने के बाद में मैं रेस्ट कर रहा था, उसी समय कि फोन रिंगिंग हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन मोड में है, गुंग गुंग, जिससे कि वाइब्रेशन मोड थोड़ा वाइब्रेट होता है। फोन देखा तो फोन है, तो फोन उठाया, उठाने के बाद मैंने सुना अमेजन, उसने बोला, मैं सिर्फ अमेजन बोला, क्या मैंने फिर से दोहराया क्या? तो उसने कहा कि अमेजन डिलीवरी बॉय। तो मैंने सोचा यार मैंने तो मंगाया नहीं है, तो मैंने उसको पूछा किसका नाम पे है, उन्होंने बताया कि मेरा बीवी का नाम पे है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा, भी एड्रेस वड्रेस भी गए थे, कुछ बीवी ने कुछ मंगाया होगा, तो कुछ कॉस्मेटिक वगैरह मंगाती है मेरी बीवी, मेरा वाइफ, तो शायद वही होगा। तो मैंने जाकर के देखा तो बड़ा सा गाड़ी ट्रक खड़ा था, ट्रक मतलब जो फोर व्हीलर पे वो खड़ा था, आप देख लीजिए। और मैं कपड़ा वपड़ा सबसे पहले तो कपड़ा वपड़ा लगाया, पैंट वैंट लगाया, अब गलत सोच रही ये सब मुझे सोच। तो मैं नीचे गया, जाकर के देख रहा हूँ तो वो दरवाजा खोला बड़ांग करके, और उसके साथ में ये बड़ा सा चीज़ मुझे दिखाया, ये देखो, ये लाने में मुझे बहुत दिक्कत हुआ था, ये देखो इसका बॉक्स कितना बड़ा है, मुझे ऐसा करके लाना पड़ा। चलो वेट तो नहीं है, तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया यार, बीवी ने मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट खरीदा है, मेरा बॉय मेरे लिए गिफ्ट खरीदता है, यानी कि मैं ही नहीं देता हूँ उनको गिफ्ट। तो आज मैं ये गिफ्ट खोलूँगा तो क्या है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक्चुअल में क्या चीज़ है, इसे अनपैक करते हैं, मेरे गिफ्ट में काटता हूँ। फिलहाल बीवी अभी घर में नहीं है, चुपचाप से मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ है इसमें, और बाद में फिर से पैक करके रखूँगा। फाड़ते हैं तो यहाँ से कुछ शायद इसे ये लोग ने निकाला था, आई डोंट नो, बट कुछ भी हो। तो कहाँ से खुलता है भाई? आई थिंक मुझे सीजर चाहिए, एक मैं सीजर का मदद लूँगा। ये रहा सीजर, यहाँ से काटते हैं। इसका बिल भी मैं नहीं देखा, पता नहीं कितना बिल का होगा, कितना पैसे का होगा, कुछ भी हो काटते हैं, काटने का भी जरूरत नहीं पड़ा, निकाल रहे हैं। अमेजन से इतना बड़ा कोरियर पहली बार रिसीव हो रहा है, तो रिसीव किया था मैं सोचा नहीं था कि ये होगा, मैं इसे कॉल करूँगा देखा हूँ। आई एम शॉक टुडे कि बीवी ने मेरे लिए, ओ माय गॉड, सो क्यूट है। यू कैन सी हियर, मैंने कितनी तरह से अनबॉक्सिंग कर लिया, इज सो क्यूट यार, वाओ, इज सो क्यूट। मैंने सोचा नहीं था कि कितना महंगा गिफ्ट कर होगा, सो जो भी हो एनीवे गिफ्ट मेरा वाइफ से मिला है, तो थैंक्स अ लॉट कहूँगा मुझे, जब आने दो उनके बाद में देख लेंगे। तो ये रहा मेरा गिफ्ट, इसमें फिर से मैं पैक करके रख दूँगा, तक ये उसमें बाद में बताऊँ, ठीक है। ये जो गिफ्ट है मुझे
बहुत ही अच्छा लगा कि ये बहुत ही कॉस्टली गिफ्ट है मेरे लिए, और काफ़ी दिनों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे लिए एक चाहिए, तो मन ही मन में सोच रहा था मैं कि परचेस करूँ, तो उससे पहले उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया, तो आने दे उसे, मैं अभी छुपा के रखा हुआ, फिर से मैं इसे बॉक्स में डाल के रखता हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो फ्रेंड्स क्या बोलूँ, बोलने के लिए मेरे शब्द नहीं है, उसका प्राइस वगैरह मैं आपको बाद में पूछ के बताता हूँ, अभी तो मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा, और इस लाइक नहीं क्यों मैं आपको बताऊँ, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टुडे विद दिस। दोस्तों अभी एक काम करते हैं, ये जो नया चीज़ है इसे खोलने का चीज़ ही मजाक का चीज़ है, मतलब कुछ अजीब सा फील होता है, तो ये देखो पूरा ब्रांड न्यू है, तो अभी इसे मैं थोड़ा खोलने के लिए जा रहा हूँ, इसका मैं स्ट्रिंग का जो कवर है इसे मैं हटाने के लिए जा रहा हूँ, और कुछ अजीब सा फीलिंग होता है, और बहुत ही लाइट वेट है, इट्स सो क्यूट, मैं इसका पूरा वीडियो आप लोगों को बाद में बता रहा हूँ कि ये देखो मेरा पूरा निकाल दिया, और साथ यहाँ पे हुक हुक नहीं है कुछ भी, सिर्फ वन साइड हुक है, यहाँ पे हुक होना चाहिए, ये हुक नहीं है, फिर भी कुछ भी हो, ये अनट्यून्ड है, अभी मैं प्ले करूँ तो अनट्यून्ड है, इसे मुझे पहले ट्यून करना पड़ेगा, बट इट्स अमेजिंग, इनका बॉडी इतना ख़राब भी नहीं है, जितना बड़ा सोचा था उतना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, इसे कोई बच्चा भी प्ले कर सकता है, मतलब 15 साल तो छोड़ दो, 10 साल का बच्चा, 6-7 साल का भी बच्चा प्ले कर सकता है, सो इट इज़ अमेजिंग। और ये यम्मा का है, और यम्मा का ऐप है AGOC जो इसका मोबाइल नंबर है, इसे टेक्निकल में कुछ नहीं जाएंगे, बाद में डिटेल्स में आपको बताऊंगा सर टेक्निकल, आपको फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ठीक है।